तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। बट यार आज की वीडियो में गाइस मैं एक वॉर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस वॉर में गाइस क्या क्या होगा, क्या रूल्स हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, हमें क्या करना है, तो गाइस वो सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए गाइस ये वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हाँ यार, अगर आपको भी गाइस इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड होना है मुझे लीडर बनने, तो आप लोगों को गाइस रिच बनना होगा एंड पीपी थोड़ा अच्छी करनी होगी। गाइस आपको अच्छा लीडर बनना होगा। एंड यार एक प्लेयर नहीं आ सकता लीडर बनने में, वो है अंजू वॉरियर। यार वैसे तो वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन यार उसके पास क्रिएटिव का एसेस है, तो यार वो क्रिएटिव ईजिली यूज़ कर सकता है, तो वो तो एक मिनट में रिच बन जाएगा। तो हाँ यार वो नहीं आ सकता, तो लेट्स गो। एंड यार वो गाइस वैसे एसएमपी के अंदर वो आ सकता है। एंड गाइस वो भी एसबलो के वो भी गाइस मेरी जैसा है, तो उन लोगों जो वैसे लीडर नहीं बन सकता और सब कुछ कर सकते हैं। तो हाँ यार आप लोगों को अगर लीडर बने तो आप लोगों को ये दो काम करने होंगे। हाँ यार ये दो काम करने होंगे, रिच बनना है थोड़ा बहुत एंड पीपी अच्छी करनी है, और आपको अच्छा लीडर बनना होगा, सबके साथ अच्छे से बात करनी होगी, और आपको सब कुछ सेटल करना पड़ेगा, मतलब पूरे असेंबली को सेटल करना पड़ेगा जो लीडर होगा। तो हाँ यार अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको यही करना होगा, क्या नाम है मतलब यही कर रहा होगा, ये सब कुछ आपको सेटल करना होगा अगर आपको लीडर बनना चाहते हो। तो हाँ यार लीडर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लीडर बनने के लिए यार आपको एक वीक के दो वीक के बाद गाइस वॉर हो जाएगा स्टार्ट। एंड जो जो नहीं आप आ फर्ज करो ना, जो कमेंट किए भाई मैं नहीं आ पाया तो अभी मैं आ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं गाइस आप लोग नहीं आ सकते, वो एक दिन ही होगा। एंड क्या पता डे टू को भी कन्वर्ट हो जाए ये वॉर। तो हाँ वॉर के लिए गाइस एक जो टीम होती है उसके अंदर से दो प्लेयर ज़्यादा नहीं आ सकते। तो मेरे टीम के अंदर एक प्लेयर आ चुका है एंड वो उसने मुझे कमेंट किया था भाई मुझे आपकी टीम में आना है, तो हाँ यार वो आ चुका है। तो गाइस एक टीम के अंदर दो प्लेयर से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हाँ यार आप लोग अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो कोई मेरे टीम में आ जाओ। हाँ अभी क्या कर सकते हैं, अभी लीडर कैसे बनना है, तो हमें पीवीपी करनी होगी एंड पीवीपी के अंदर कई जो लास्ट में बचे दो प्लेयर्स, उन दो प्लेयर्स के बैटल करवाएंगे। लेकिन शुरू में भी बैटल करवाएंगे जो प्लेयर्स हैं ना टीम्स, लेकिन लास्ट में जो फाइनल दो प्लेयर से टू टीम बच जाए तो उन दोनों के दरमियान भी हम फाइट करवाएंगे। तो हाँ और उन दोनों टीम के अंदर जो भी बचा तो वो गाइस लीडर हो जाएगा। अगर आप गाइस एसएमपी को सेटल कर सकते हो तो फिर, तो हाँ मैं कह रहा था यार फिर ऐसे लीडर बन सकते हो। और हाँ अगर आप सेटल कर सकते हो एसएमपी को तो आप लीडर बन सकते हो। हाँ लास्ट में गाइस दो बंदे दो टीम बच जाएगी, उन दोनों के दरमियान भी हम फाइट करवाएंगे। जो जीता वो गाइस मैं बताऊंगा कि भाई ये टीम सही जीती है, इसने चीटिंग नहीं किया है, और ये फाइट कहाँ पे होने वाली है यार, जो मैंने एसएमपी के अंदर रिंग बनाई उसके अंदर फाइट होने होगा। एंड अगर आपको वो छोटा लगेगा तो हम फिर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो हाँ रिंग के अंदर ही फाइट होने वाली है। एंड आप सिर्फ डायमंड आर्मर के ऊपर नहीं बना सकते हो आर्मर, क्योंकि यार मैं भी सिर्फ गाइस डायमंड ही माइन करने वाला हूँ। एंड गाइस मैंने थोड़ा बहुत डायमंड माइन भी कर दिया है। एंड यार अभी ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया लीडर कैसे बने, तो यार फटाफट से एसएमबी के अंदर जाओ, अपने ग्राइंडिंग शुरू करो। गाइस मैं भी गाइस ऑफलाइन ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ लेट्स गो यार, आप कहते हो कि यार वीडियो बनाया करो माइनक्राफ्ट की, यार टाइम नहीं मिलता मुझे, तो लेट्स गो यार आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा आई होप। चलो गाइस फटाफट से जाओ ग्राइंडिंग करो, मैं भी जाऊँगा। लेट्स गो गाइस, बाय बाय, सी यू, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।